हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो टैप्स फ्यूजन। दोस्तों, आज मेरे पास से बोट का 103 बेस हेड वाला ईयरफोन और इसका आज मैं अनबॉक्सिंग और एक शॉर्ट रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर इस ईयरफोन के प्राइसिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट पर ये ईयरफोन हमें अराउंड 400 रुपीज़ के अंडर मिल जाता है। तो 400 रुपीज़ में ये ईयरफोन वर्थ बाइंग है कि नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, और ओपन करने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें ये बुकलेट देखने को मिलता है जिसमें बोट के दूसरे ब्रांड को लिस्ट किया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ एडिटिव्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज़ के। दोस्तों, ईयरफोन के बैक साइड में हमें लेदर टाइप फिनिश देखने को मिलता है, बट ये प्लास्टिक है और इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं जो कि आपस में चिपक जाते हैं। और दोस्तों, इसकी केबल लेंथ है अराउंड 1.5 मीटर। इसे हम लोग पॉकेट में रख कर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका जैक दिया हुआ है वो 3.5 mm एंगल जैक है। यहाँ पर जो जैक है वो एंगल्ड है, हम लोग इसको पॉकेट में रख के यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में यहाँ पर एक होल्डर दिया हुआ है जिससे हम लोग वायर को सेट कर सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मल्टी फंक्शनल बटन दिया हुआ है जिससे हम लोग सॉन्ग्स को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर पीछे बोर्ड की ब्रांडिंग है और इसमें इनबिल्ट इनलाइन माइक दिया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं इसके ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगा मुझे, और इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा बेस सुनना पसंद करते हो तो ये ईयरफोन आपको पसंद आ सकता है। दोस्तों, 400 के प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है। मैंने बोट के दूसरे प्रोडक्ट भी यूज़ किए और उनमें से अगर मैं साउंड कंपेरिजन करूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।